की तरक्की का दूसरा नाम इर्तका है, जिसे इंग्लिश में रेवोल्यूशन कहा जाता है। वक्त के साथ साथ हर चीज़ बदलती गई। इंसान की बुनियादी ज़रूरियात में सबसे सर फहरिस्त हमेशा खुराक रही है। बाबा आदम के दौर से लेकर आज तक इंसान की सर्वाइवल की जंग जारी है, जिसमें बेसिक नेसेसिटी उसकी खुराक है। और उस बेसिक नेसेसिटी में सर फहरिस्त आज हमारे माशरे में गंदम का किरदार है। और उस गंदम से आटा बनता है, आटे से रोटी बनती है, रोटी इंसान खाते हैं और नशोनुमा पाते हैं। जो अफराद भी माशरे में ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं, यकीनी तौर पर वो अफराद काबिल तहसीन हैं और उन लोगों को हमें माशरे के अंदर दिखाना चाहिए और हमें बताना चाहिए कि उन्होंने माशरे में एक इंतहाई अहम ज़रूरत जो कि खुराक है उसे पूरा करने में अपना काम किया, अपना किरदार अदा किया। इसी सिलसिले में मैं मौजूद हूँ कबीरवाला में और मेरे साथ कबीरवाला की पहली मॉडर्न आटा चक्की के ऑनर मौजूद हैं, जिनका नाम इरफान महमूद साजिद है। उन्होंने कबीरवाला खानेवाल ज़िले की तहसील में एक स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडर्न आटा चक्की बना के इलाके की ग़ज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए जो किरदार अदा किया है वो यकीनी तौर पर काबिल तहसीन है। आइए हम आपको मिलवाते हैं इरफान महमूद साजिद साहब से। इरफान महमूद साजिद साहब, आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। आप यकीनी तौर पे माशरे के एक हीरो हैं, क्योंकि आप इंसानी ग़ज़ाई ज़रूरियात पूरा करने के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। सर, आपके जहन में ये कैसे आया कि आप आटा चक्की स्टेट ऑफ द आर्ट और कबीरवाला जैसी तहसील में आपने इतनी महंगी आटा चक्की बनाई, ये जहन में आपके कैसे आया? जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ, आप हमारी चक्की पे आए। थैंक यू। और आपने हमें इस काबिल समझा कि आपने हमारा इंटरव्यू किया सर। तो बाकी ये मैं आपको इस चक्की की थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ कि ये अभी की चक्की नहीं है। बिल्कुल ठीक है। ये हमारे पास जो प्लांट तो अब लगा है, पहले हमने ये जो चक्की स्टार्ट की थी ये हमारी आबाई चक्की है, हमारे दादा अबू ने ये स्टार्ट की थी। तो ये हमारी चक्की बहुत पुरानी है, 1999 में हमने ये चक्की बनाई थी। तो उस वक्त मेरे दादा अबू ने ये स्टार्ट किया था, उसके बाद से फिर मेरे चाचू ने भी इसको टेक ओवर किया, उसके बाद से फिर अब मेरे वालिद साहब इसको चला रहे हैं। तो जो ये पूरा प्लांट का कॉन्सेप्ट है पूरा, एक्चुअली मेरे जो वालिद साहब हैं वो ख़ुद इंजीनियर हैं, तो उन्होंने ये जो चक्की है उन्होंने ख़ुद डिज़ाइन की है। एक एक मशीन उन्होंने ये ख़ुद लगवाई है, एक एक इन्होंने पूरे जो प्लांट की डिज़ाइनिंग है वो मेरे वालिद साहब की गई है। अच्छा, इरफान महमूद साजिद साहब, इस चक्की की आप पैदावार या इसकी प्रोडक्शन कितनी है, ये कितना आटा बना सकती है, इसकी प्रोडक्शन का लेवल क्या है? ये जो चक्की है इसकी जो एवरेज इसकी कैपेसिटी है आटा निकालने की वो है 10 से 11 मन पर आवर। 10 से 11 मन फी घंटा के हिसाब से ये आटा निकाल सकती है। अच्छा, मैंने देखा है, मैं भी आपके साथ गया हूँ, तो आपके पास इस चक्की के साथ साथ एक चावलों वाला प्लांट भी है, उसकी क्या स्टोरी है? जी, ये एक्चुअली जब मेरे वालिद साहब फिर ये चक्की लगा रहे थे उसके बाद इसके बाद उन्होंने इन्हेंसमेंट करने की सोची, और ये भी जो राइस की मशीन हैं ये भी इस कबीरवाला में हमारे पास ही सबसे पहला ये प्लांट है, जदीद है। एक तो ये हमारे पास इसकी चावल की दो आला क्वालिटीज़ निकालती है, एक कायनात हमारे पास चावल है बहुत अच्छा है, एक सुपर हमारे पास चावल है। अच्छा, ये चावल की ख़ास बात ये है कि एक तो ये बहुत छिलका निकाल के चावल को पूरा लंबा चावल निकालती है, और ये खाने में बहुत लजीज चावल है। तो जो भी इसको ट्राई करे, वैसे शुरू में आए ट्राई करे, उसके बाद हमें बताए कि ये चावल कैसा है। और दूसरी बात ये है कि ये चावल जो है हम बाज़ार से 20 रुपए कम दे रहे हैं, क्योंकि हमने ये सहूलत मुतारफ़ कराई हुई है कि ये जो भी आवाम आए वो हमसे ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो। अच्छा, इरफान महमूद साजिद साहब, अगर एक शख्स के पास मुंजी है तो वो छिड़वाने भी आपके पास लेके आ सकता है,
और एक बंदा जिसने चावल लेना है पूरा तैयार शुदा वो भी ले सकता है, दोनों क्वालिटीज आपके पास जी जी मौजूद वो अगर अपना मुंजी लेके आएगा तब भी हम उसको चावल बना के देंगे। बिल्कुल ठीक है। और अगर किसी के पास मुंजी नहीं है वो अगर सिर्फ चावल ख़रीदना चाहता है तो वो भी चावल खरीद सकता। अच्छा, ये लोकेशन आपकी चक्की की क्या है, आवाम की इंफॉर्मेशन के लिए ये भी बता दें। जी, ये हमारी चक्की बिल्कुल कैनाल रोड पे वाक़िया है, कबीरवाला में एक ही मेन नहर है, कैनाल है, तो उसके पास ही हमारी चक्की वाक़िया है। और यहाँ ये जमील कॉलोनी मेन कॉलोनी है कबीरवाला की, तो उसमें ये हमारे पास कैनाल रोड पे वो के कॉर्नर पे ही वाक़िया है। साइक्लोन सिस्टम ये है कि एक तो मैं आपको पहले प्रोसेस बता दूँ कि इसमें पहले हमारा जो गंदम हम दाना डालते हैं वो उसको चार चीज़ों में डिवाइड, कचरा अलग करती है, मिट्टी अलग करती है, उसके बाद वो जाती है आटे की मशीन में, ठीक है। उसके बाद जब वो पीस जाता है आटा, उसके बाद एक हमारे पास साइक्लोन सिस्टम अलग से लगा हुआ है। वो साइक्लोन सिस्टम क्या करता है, वो उस आटे को मज़ीद ठंडा करता है और उसको मज़ीद बारीक करता है, उसको इस तरीके से बना देता है कि वो आपकी ग़िज़ाई ज़रूरियत को पूरी तरीके से फुलफ़िल करता है।